लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अयोध्या CST वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पिछड़े वर्ग के लोग असंतुष्ट हैं। BS4 कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. चौधरी के नेतृत्व में अयोध्या में प्रदर्शन किया है। धारा 144 के चलते प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी है। BS4 राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. चौधरी का कहना है कि मौजूदा केंद्र सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, वह मन मनुस्मृति को अपना संविधान मानती है। दरअसल SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पिछले वर्ग के लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस बात को लेकर अयोध्या में गुलाबबाड़ी से BS4 पार्टी की ओर से कार्यकर्ता रैली निकालने की योजना बना रहे थे। इस प्रदर्शन पूर्व मंत्री व BS4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. चौधरी के नेतृत्व में होना था, लेकिन विरोध की भनक लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासन पहुंचा और रैली निकलने से पहले ही गुलाबबाड़ी के अंदर ही उन्हें रोक दिया गया। मौके पर पहुंचे CT मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश ने BS4 कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में BS4 कार्यकर्ताओं ने मौजूदा केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में SC ST आरक्षण को लेकर प्रभावी ढंग से अपना पक्ष न रखने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र की कमजोर दलील के चलते सुप्रीम कोर्ट में SC ST आरक्षण को लेकर उनकी मांग खारिज हो गई है। BS4 की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री व BS4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. चौधरी का कहना है कि भाजपा की केंद्र की सरकार के घटिया दलील के चलते कोर्ट में SC ST की ओर से दायर याचिका खारिज हो गई है। R.K. चौधरी ने कहा कि हजारों वर्ष पहले भारत में लागू वर्ण व्यवस्था को फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है, जानबूझकर पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने BJP सरकार की घटिया दलील नाते एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कर दिया आरक्षण संबंध में। हमारा मानना है कि BJP सरकार RSS से चल रही है और ऐसे सोच है इस देश में जो पुरानी व्यवस्था है हजारों साल पहले वर्ण व्यवस्था उसको लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को नहीं मानती, मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानती है। निश्चित तौर पर गलत आदेश हुआ है और हम लोग 20 फरवरी से लखनऊ से आंदोलन शुरू किए हैं। लगभग हर शहर में पैदल मार्च करके ज्ञापन दे रहे हैं और जो आरक्षण है ये कोई भीख नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन BJP के कहने पे, BJP के घटिया दलील पे फैसला हो गया कि नहीं ये मौलिक अधिकार नहीं है, हम लड़ेंगे। केंद्र सरकार ने जो रोल अदा किया है वो बड़ा घटिया है। इन्होंने बेसिकली दिया है कि जो आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, इनका ये कहना है कि उसमें सरकार द्वारा ठीक से पैरवी नहीं की गई, संभवतः इसलिए ये जो फैसला हुआ थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, तो उसी को वो करने के लिए उसी को विरोध में जो है उन्होंने ज्ञापन दिया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।